हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम भी अच्छे हैं। तो शाम का समय है, 4 बज गए हैं और देमोक आ गए थे स्कूल से, वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखो, आज हमारे साग बनेगा। साग की हो रही है तैयारी, से मैं और भाभी दोनों मिलके करेंगे अभी साफ। इधर मैं पहले चाय बना रही थी, चाय बना लूँ क्योंकि भैया के साथ कोई आया है उनके लिए। और देखो, आज हमारे साग में मेथी, पालक, बथुआ, सरसों, इन चीज़ों का साग बनेगा। भाभी अंदर लेटती नहीं है, जब मैं बाहर होती हूँ हम सब एक साथ बैठे रहते हैं तो वहीं आके बैठ जाती हैं। जब तक भाभी साग साफ करती हैं तब तक मैं पौधों में लगा देती हूँ पानी, क्योंकि मैंने देखा तो पौधे बिल्कुल सूख गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने डोलची में ले लिया है पानी और ये मैं जा रही हूँ पेड़ों में लगाने। और ये देखो, कान के काव्या और देव लाए थे इन्हें और कल से मेरे पीछे पड़ी है, इन्हें पहन लो, तो ये मैंने पहन लिया है। ये लाया था लिवा के, तो हम डालते हैं पेड़ों में पानी। ये वो कपड़े हैं जो आज हमने धोए थे, सूख गए हैं, सुखा के ले आए हैं। और ये भाई कपड़े का मशीन में कपड़े से याद आई, कथा चल रही है। बहुत सारे गमले हैं। तो फ्रेंड, जितना साग निकला है उतना ही निकल गया इसमें कूड़ा, बहुत सारा कूड़ा निकला है। अब मैं इसे काट लूंगी दरांत से। पहले मुझसे दरांत से साग काटना नहीं आता था, लेकिन मैं धीरे धीरे काटने लगी और अब मैं काट लेती हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं कटता, मोटा मोटा कटता है, लेकिन फिर भी काम चलाऊ काट ही लेती हूँ, क्योंकि चाकू से कितनी देर में काटेंगे। तो ये कट के तैयार हो गया है हमारा साग और अब हम इसे बनाएंगे सबके लिए। ये खा रही है भाई साहब चॉकलेट, और देखो दो एकदम, हाँ दो एक साथ। ये तो मौक से भी तेज खा रहा है, दो चॉकलेट एक साथ। और सुनो, दोनों मूढ़े लगा के और बंदूक रख के तब बैठी है यहाँ। यहाँ मैंने साग को बहुत अच्छे से 2-3 बार धो लिया है और धो के अब हम इसे रखेंगे गैस पे बनने के लिए। तो इसे गलने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। और पानी डालने के बाद में मैंने थोड़ी सी तैयारी करी, लहसुन को छील लिया है फ्रेश, हरी मिर्च ले ली है, अदरक ले ली है, इसको घिस के ले लेंगे और इन सारी चीज़ों को डालेंगे हम साग में। इसमें डाल रही है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, सारी चीज़ें डाल के कुकर को कर देंगे बंद। ये पकौड़ी की तैयारी चल रही है, सही है कि मतलब साग बना भाई, साग और मक्के की रोटी खाई जाएंगे। पकौड़ी की तैयारी कर रहे हैं कि कुकर में सीटी आ रही है। तो पकौड़ी में डालने के लिए मैंने लहसुन को कूट के लिया है और इतनी तेज तेज बंदरों की आवाज़ आ रही है, बंदर आ गए हमारे छत पे। सुबह सुबह भी आते हैं, टाइम है इनका, सुबह 5 बजे आके खूब कूदते हैं, जितना कूदा जाता है। बेशन, जब से देव भाई आया स्कूल से तब से जिद कर रहा है पकौड़ियों के लिए, तो इसमें साथ साथ डालेंगे हम हींग। हींग बहुत अच्छी लगती है पकौड़ियों में, खुशबू आती है उसकी। और मैं और भाभी काम भी कर रहे हैं और बात भी करते जा रहे हैं, भाभी ने मेरा फोन भी पकड़ा हुआ है। हाँ, मिर्च तो डालेंगी थोड़ी, क्या खूब डालो पकौड़ी में, तो इतनी लगती नहीं है ना पकौड़ी में। हाँ डाल दो, फिर कहेगा बुआ आपने तो मम्मी की तरह बना दी, मम्मी ने। स्वाद अनुसार मिलाएंगे इसमें नमक। तो फ्रेंड्स, थोड़ी हो गई है ठंड, तो मैंने सॉल भी डाल लिया। वैसे तो मैंने 2 स्वेटर डाले हुए हैं, ये देखो एक ये। और भागवत हमारे यहाँ बंद हो गई है, तो बिल्कुल पास में हो रही है ना, तो पूरे दिन ऐसे आवाज आती रहती है रेगुलर। क्या बोल रहे हो? पढ़ लिया आपने? क्या क्या पढ़ा? मैंने आइसक्रीम बनाई, कुल्फी बनाई और चॉकलेट बनाई, ऐसे वाला बनाया। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बन रही है पकौड़ी, भाई ने बोला था पकौड़ी ही खानी है उसको। और ये हमारी चाय है, चाय कम बनने वाली। हाँ बेटा देखो, दोस्तों अंगूर भी सिखाता है। अच्छा, गर्मा गर्म पकौड़ी बन के हो गई है तैयार और इधर चाय भी बन के हो गई है तैयार। अब चाय और पकौड़ी करेंगे सर्व, सब खाएंगे मिलके साथ में। वो मिर्च डाल देना अब मेरी वाली में, तो ये मम्मी और मुँह खा देंगे, मुझे वैसी चाहिए थी यार। आप लोगों ने मिर्च भी कम डलवाई। अब हमने काय को कम डलवा दी, अभी रुक। ये मेरा लास्ट बैच बचा है पकौड़ियों का, हो गई है पूरी। और यहाँ भाई मेरा खा रहा है पकौड़ी और काव्या कैसी बनी है? बढ़िया। काव्या कैसी बनी? बेहतरीन। क्या कह रही हो? अब जब बनाओगी पकौड़ी का भी नेक्स्ट टाइम, अब तक बोलता था अम्मा जैसी बनाओ, अब कहेगा बुआ जैसी बनाओ, जैसी बुआ ने बनाई। क्या आपने सीखी क्यों नहीं थी जब वो बना रही थी? हाँ, अरे वाह। Thank you.
क्या है इसके अंदर? भाई तो फ्रेंड्स आज का खाना हो गया कैंसिल, क्योंकि पकौड़ी और चाय जो देव को खानी थी और उसके चक्कर में सबका पेट हो गया फुल। जो साग बना रहे थे, अब तो ये साग मुझे मुश्किल ही लगता है कि खाया जाएगा। अब ये खाया जाए कल स्कूल से आके, क्योंकि सुबह भी नहीं खाएंगे, सुबह खाएंगे ब्रेड। तो इसे चेक कर लेते हैं पहले। ये बहुत अच्छे से गल गया भाई, ये देखो तो पत्ते पत्ते। हाँ ये बहुत अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें करूंगी थोड़ी सी मेहनत और मैं अब इसको इसको कहते हैं घोटना। कुछ लोग इसे मिक्सी में भी पीस लेते हैं, पर मिक्सी वाला टेस्ट ज्यादा वो आता है ना, मतलब पिस जाता। ये देखिए, ये भी अपने अलग अलग ओपिनियन दे रही। हाँ मम्मी क्या नहीं आता मिक्सी वाले में? और ये देखो घायल परिंदा, ये पक्का मोबाइल में लगा होगा। इसकी आप इसकी शक्ल पे मत जाना, इसकी शक्ल तो अच्छी है, देखे इसने मेरे को देखते ही छुपा दिया है। और अब मैं इसे खोलूंगा, इसका पिटारा देखो खुल गया, देखो देखो ये मर गया। इसके पास फोन है, फोन बंद करो। अभी साग घोट रही थी और बुआ को इसके अंदर कुछ मिला है। बुआ ने वो क्या है, दबा लिया, दबा लिया भाई। चेक कर ले क्या है, क्या है, साग को हमने बहुत अच्छे से घोट लिया। और घोटने के बाद इसमें मक्के के आटे का लगा दिया मैंने आलन। पूरे 15-20 मिनट मेहनत करने के बाद हमारे साग हो गया कुछ ऐसा निकला। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो फ्रेंड जब तक मेरा साग पकेगा तब तक मैं ये बर्तन साफ करूंगी, क्योंकि बहुत लगभग 8 बज गए हैं और 8 बजे ये देखो मेरा काम हो गया फिनिश। ये मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और चाय पकौड़ी खा के सबके पेट हो गए हैं फुल। तो मुश्किल ही है कुछ खाएंगे अब, सब पूछती हूँ वैसे तो। अगर यदि कोई खाएगा तो रोटी बनाएंगे मक्का की। हमारा साग जो है वो बिल्कुल एकदम बेहतरीन हो गया, ये देखो पक्के। यहाँ पे एक तो अंधेरा होता है, ये देखो भी साग बनता है ना, ये देखो दीवार पे कितने छींटे आ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही छींट आ जाती है साग की, क्योंकि जब साग फदकता है ना ये। ये देखो हमारा साग हो गया कुछ ऐसा तैयार। फ्रेंड बर्तन भी धुल गए हैं और साग भी हो गया हमारा तैयार। और अब पूछते हैं सबसे, यदि कोई खाना खाएगा तो मक्का की बनाएंगे रोटी, और यदि नहीं खाएंगे तो फिर सुबह बनाएंगे मक्का की रोटी और उसके साथ खाएंगे साग। वैसे साग जो है ना वो नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस लहसुन से फ्राई होता है तो बहुत ही अच्छा इसमें स्वाद आता है। तो फ्रेंड्स ये देखो पढ़ाई करने के बाद ये बैठा है फ़ोन लेके और इतने बुरे तरीके से, और वो शिकायत लगाने गया है। और ये देखो रूम का क्या हाल कर देते हैं, ये देखो भाई ये क्या है, ये किसने किया है? देव भैया ने नहीं किया, उठो जल्दी। और ये खिलौने, मैं जितना सब संभालती हूँ उतना ही सब फैलाते हैं सारे रूम को। फोन दो पहले मुझे, अब ये सोफे ठीक कर दो, सोफे ठीक करो। खिलौने काव्या लेके आइए, लेकिन बेटा ये ठीक कर दे बच्चा मेरा, कर दे भाई, नहीं करेगा। कल भी ऐसे ही बोला था तूने। हाँ तो भाई यहाँ हमारा इस एंगल में पड़ लेट के, भाई क्या कर रहा तू ऐसे लेट के, कौन ड्रॉइंग बनाता भाई? भाई बना रहा है ड्राइंग। हाँ भाई ड्राइंग दिखा, भाई ये तुमने बनाया? अरे हनुमान जी का चित्र बहुत अच्छा बनाया भाई ने। अच्छा ये राजा ने सिखाई थी? आजकल के बच्चे कुछ सीनरी और ये वे तो कुछ बनाते नहीं है, ये बस कार्टून बनाते हैं, मुझे तो इनके नाम भी नहीं पता। भाई मक्का की रोटी खाएगा गेहूं की? नहीं अभी हूं, मैं पेट भरा है पकौड़ी से, मेरे को भी नहीं खाना, मैं भी भर गया। हैं मैं भी भर गया पेट। तेरा पेट है कहीं? खाली दांत दिखते हैं तेरे मुंह पे कहीं पेट है भाई? फ्रेंड्स इन्होंने कर दिया खाना खाने के लिए मना, भाभी के लिए बस अलग से कुछ बनाएंगे हम। और भैया ने भी मना कर दिया, वो पहले से ही नहीं खाएंगे। काव्या तो खाएगी नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी। सर्दियों में कितने सारे कपड़े पहने रखते हैं फिर भी ठंड लगती है। और भैया कहते हैं ऊपर से कैप भी लगा लो और सॉल भी ओढ़ लो, और मुझे खेस दे रहे थे ओढ़ने के लिए, कह रहे तू इसे ओढ़ ले अगर उनका बस चले ना तो वो हम सबको रजाई उड़ा दें। इतना तो मैंने वहां पे नहीं पहना था जितना मैं यहाँ पहन रही हूँ, फिर भी उनको यही लगता है कि मैंने कम कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे करते हैं। तो ये हमारा भाई पिछले 2 घंटे से लगा हुआ है इसे करने में, और ये देखो इसने पूरा क्या फैला रखा है, ये देखो कलर वलर सब काट पीट के। कितनी देर में बन जाएगा? 10 मिनट में बन जाएगा? नहीं, 10:30 कह रहा हूं। अच्छा 10:30 तक। ओ तुम क्या कर रही हो? दस बजे में हो जाएगा तुम्हारा भी? पर तुमने ये क्या बनाया है बाबू, बताओ तो ये क्या बनाया है? ये अंगूर है। और मैंने एक हिबिस्कस बनाया। तुमने हिबिस्कस बनाया? तुम अरे
भाई अभी कितना टाइम लगेगा? 10:30 बज चुके हैं, यू नो थोड़ा और कैसे रुक सकते हैं? और थोड़ा कैसे रुक सकते हैं? सुनो दीदी, आपने पजामी कहाँ निकाल दी? ये कलर बाद में करना, पहले पजामी पहनो। खड़ी हो काव्या? हाँ पहनो, उठाओ। आर्टिस्ट बन रही है। उधर उधर खड़े होके पहनो, वहां पहनो, गिर जाओगी इधर कलर के ऊपर, पानी के ऊपर। भाई इसे इतना पानी क्यों दे रखा है तुमने? मैंने हेलो गाइस, देखिए मैं क्या बना रही हूँ, अभी दिखाती हूँ। देखो लॉलीपॉप बनाती हूँ। मैं लेट जाऊँ जाके? अब कितनी देर में आओगी तुम? बस 5 मिनट में। ठीक है, जल्दी बना के जल्दी आ जाओ, और हैंडू गंदे मत करो, ठीक है? हैंडू तो पहले से ही गंदे हुए। पहले से ही गंदे हो गए हैं। भाई तुम भी चलो लेटो, कितनी देर और लगेगी भाई इसमें? आधा घंटा। भाई हद है यार, 100,000 लगेगा। 100,000 रूम का देखो क्या हालत बनाई है। 11 बज गए और 11 बजे भाई ले आया इसे बना के। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।